काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, मतलब मैंने इस वक्त पे हम सब ने ही देखे। मैं सच बताऊँ तो जब हम कुछ कंटेंट डालते हैं या हम लाइफ में कभी भी कुछ करते हैं और आई एम एन एक्टर, तो ये सब चीज़ें हमें तो मतलब क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है क्रिटिसिज्म। कभी कभी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बुलिंग हो जाती है, तो वो जैसे सबको बुरा लगता है वैसा मुझे भी बुरा लगता है। बट एक चीज़ अच्छी लगती है कि आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि एक चीज़ जो मैं खुद से कहती हूँ कि मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी। बिल्कुल देखिए, मेरे लिए हर एक वक्त जो है एक एक्सपीरियंस होता है और आई एम एन आर्टिस्ट, तो लकीली फॉर्चुनेटली यू नो आर्ट में वो ताकत है यू नो जो आपको हर एक कठिन परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती है। जैसे कि आई एम लर्निंग ओडिसी आल्सो विद माय यू नो एज एन एक्टर, और एक्टिंग तो एक टैलेंट है ही, उसके ऊपर भी मैं काफ़ी यू नो चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। मगर ओडिसी जो है वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है यू नो ग्राउंडेड रहने के, और हर किसी चीज़ को ना एक एक थर्ड आई से देखने की। तो वो मुझे ओडिसी डांस ने, बिकॉज इट्स अ कृष्णा वैष्णव डांस है ये, और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी यू नो हमें कथाओं के ऊपर वर्णन और यू नो कृष्ण लीला के ऊपर हमें डांस करना होता है, तो काफ़ी डिवोशन रहता है। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया यू नो इस टाइम पे, और इनफैक्ट मैं काफ़ी इम्प्रूव भी की हूँ इस डांस में थैंकफुली, क्योंकि मैं एक साल से घर पर हूँ तो काफ़ी मैंने टाइम इस पर दिया और मुझे काफ़ी यू नो इट्स लाइक माई सोल फूड। तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, मतलब मैंने इस वक्त पे हम सब ने ही देखे, और चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, तो हर तरह के सब ने ही देखे हैं, हम सब इसमें एक साथ हैं। मगर आर्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया यू नो अपने आप को संतुलित रखने के लिए, चाहे वो खाने के लिए हो या रिलेशनशिप्स हो, क्योंकि यू नो सब जब 10 से 11 लोग जब एक घर में बंद हो जाएं और लाइक अ बिग बॉस हाउस, तो फिर यू नो सबकी अलग अलग सोच हैं, सबके अलग अलग ड्रीम्स हैं, और वो ड्रीम्स एकदम से शैटर्ड होने दिखते हैं जब आप लॉकडाउन में हो जाते हैं। तो सब लोग एक बहुत ही वक्त से गुजरे हैं बेसिकली, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम पे अपने आप को संतुलित रखने के लिए मुझे डांस ने बहुत हेल्प किया, ओडिसी ने बहुत हेल्प किया। जी देखिए, लॉकडाउन से ये हुआ कि रोहित भी घर पर बैठ गए सो मुझे डायरेक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर जो है अपने वीडियोस अपने कंटेंट को शूट करने के मिल गया, तो इस वजह से आपने पिछले एक साल में मेरे काफ़ी पोस्ट देखे, जो कि पहले क्या होता था कि मेरे मैं डांस कर रही होती थी तो, और अभी क्या है मुझे काफ़ी सेल्फ मोड पे भी, सेल्फी मोड पर भी लेना आ गया है, तो नाउ आई हैव अ स्टैंड ऑल्सो। तो यू नो आप वो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द नीड ऑफ ऑल द इन्वेंशंस, तो वही हुआ कि घर पे बैठे थे तो सोचा यू नो व्हाई नॉट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, यू नो हार्ड टाइम्स से तो सभी लोग गुजर रहे हैं, तो अगर हम किसी को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकें, खुशी दे सकें, तो व्हाई नॉट। तो मैंने बस वैसे ही इनिशिएट लिया, और मेरे तो काफ़ी चीज़ें मैं सेल्फी मोड पे शूट कर लेती हूँ, और अगर रोहित थोड़े फ्री दिखते हैं तो उनको बोलती हूँ प्लीज़ 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 मैं फेवर ले लेती हूँ, प्लीज़ मेरा शूट कर दो ये, एंड वो भी काफ़ी एक्साइटेडली काफ़ी इंथुसियास्टिकली मेरी जो है डांसिंग मेरी पिक्चर्स शूट करते हैं। जी सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए खाना खाते हैं, मैंने देखा सब लोग मोटे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आते हैं ना सब लोग यू नो बिंजिंग करना शुरू कर देते हैं, चिप्स खाना शुरू कर देते हैं, ऑल द यू नो जिन चीज़ों से वो अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं वही वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें स्ट्रेस को डील करना चाहिए, उसके बाद वेट लॉस पर आना चाहिए। जी देखिए ट्रोलर्स मैं सच बताऊँ तो जब हम कुछ कंटेंट डालते हैं या हम लाइफ में कभी भी कुछ करते हैं और आई एम एन एक्टर, तो ये सब चीज़ें हमें तो मतलब
क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है क्रिटिसिज्म, वो मुझे विंग्स देता है और बेटर करने के लिए। तो हमारी फैमिली में भी यू नो हर तरह के लोग होते हैं, और कुछ आपकी बात से सहमत होते हैं, कुछ नहीं होते, तो उसमें ज़रा भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि यू नो व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी, या मुझे नहीं कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। लकीली फॉर्चुनेटली हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक है और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। या बट कभी कभी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही बुलिंग हो जाती है, तो उस जैसे सबको बुरा लगता है, ऐसा मुझे भी बुरा लगता है। बट एक चीज़ अच्छी लगती है कि आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि एक चीज़ जो मैं खुद से कहती हूँ कि मैं लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगी, और मेरी अपनी एक सोच है, और वो सोच जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, जब तक मैं ट्रू हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और मेरी जो नियत है पोस्ट की, वो उसके बिहाइंड जो नियत है वो जब तक सही है ना, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई हैव माय आंसर्स। अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है या यू नो ट्रोलर्स कुछ करते हैं, कभी कभी मैं फ्री होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है उन सबको जवाब देने में। तो बट फिर सोचती हूँ कि यू नो उनकी अपनी एक सोच है, और मैं कुछ कॉमेंट्स है उनकी सोच को नहीं बदल सकती, और एंड आई रिस्पेक्ट दैट।